मतगणना के संपूर्ण होने के बाद जब हम लोग का सारे रिजल्ट सब फाइनल हो जाता है उसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोग जो निर्वाचित सदस्यों का सूची सौंपा जाता है। यही कार्य आज को संपूर्ण किया गया। इलेक्शन सेक्रेटरी साहब भी आए हैं तो उन्हीं का सिग्नेचर से सब संपन्न होता है। तो हम लोग आज अब सरकार बनने की जो कार्रवाई है अब शुरू हो गई। सर एक कुछ आरोप आप गए थे शिकायत देने का जो भी डेलीगेशन आया विपक्ष का उन सब लोगों से मैं मिला। उन लोगों का जो भी संदेह था वो सब मैंने दूर करने का पूरा प्रयास किया। उन लोगों को ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप सटीक इन्फॉर्मेशन दीजिए जहां आपको लगता है कि गड़बड़ी हुआ है। और उन लोगों को हम लोगों के सारे रिजल्ट और संबंधित पदाधिकारी उनसे भी बातचीत करके उन लोगों के सारे संशय मैं हमने दूर कराया। विपक्ष की तरफ से लीगली आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वीडियोज मांगे जा रहे हैं, निश्चित और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। वो तो उनका मर्जी है लेकिन हम लोग उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सब देंगे। इनफैक्ट मतगणना भी ऐसे नहीं है कि हम लोग चार दरवाजे के बीच में बैठ के किसी को इन्वॉल्व नहीं किए, बिना नहीं किया। हमने कैंडिडेट्स थे, कैंडिडेट्स के एजेंट्स थे, इलेक्शन एजेंट्स थे, वीडियोग्राफी हो रहा था, इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स थे। तो कहीं भी कोई बात छुपाने का नहीं है। चुनाव आचार संहिता से कब तक खत्म हो गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया सर। वो MLC का ये चल रहा है, काउंटिंग चल रहा है। कब तक रिजल्ट उसका? देखिए हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग अलग है। जब तो कोसी में 14 जिला है और लगभग 1,00,000 वोटर्स हैं तो वो लंबा चलेगा। बाकी टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकता है आज देर शाम तक खत्म हो जाएगा। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ा लंबा चलेगा। क्या COVID-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।